फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। भारतीय टीम भले ही विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही हो, लेकिन इस देश में फुटबॉल फैंस की कमी नहीं है। देश में आपको कई फैंस मिल जाएंगे जो यूरोपियन फुटबॉल की समझ रखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को पूजने वाले भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए मोहम्मद सलीम अनजाना नाम हो सकता है, लेकिन स्कॉटलैंड के लोगों के लिए वो आज भी एक हीरो है। आज बात करते हैं मोहम्मद सलीम की, जो यूरोपियन क्लब में खेलने वाला पहला भारतीय था। मोहम्मद सलीम का जन्म साल 1904 में कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने एक फार्मासिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू तो किया, लेकिन जल्द ही अपने असली प्यार फुटबॉल की ओर रुख किया। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही बोबाजार क्लब ज्वाइन करके अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी। 1934 में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब ज्वाइन कर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सफलता का आनंद लिया, जिससे उन्हें लगातार 5 कलकत्ता फुटबॉल लीग जीतने में मदद मिली। फिर 1936 में मोहम्मद सलीम को चीन के खिलाफ 2 एग्जीबिशन मैच के लिए चुना गया। उन्होंने पहले मैच में नंगे पैर खेलते हुए ऐसा प्रदर्शन किया कि चीन के अधिकारियों ने भी उनकी तारीफ की। इसके बाद सलीम ने 7,000 प्रशंसकों के सामने सेल्टिक पार्क में अलायंस लीग गेम में गैल्स्टन के खिलाफ सेल्टिक के लिए खेला। बिना जूते के पिच पर एकमात्र खिलाड़ी होने के बावजूद सलीम ने दक्षिणपंथी पर अपने कौशल और चाल से वहां मौजूद भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया और 7-1 से आरामदायक जीत दिलाई। सेल्टिक उन्हें साइन करना चाहता था, लेकिन सलीम को देश की याद सताने लगी और वो देश लौट आए। हालांकि अपने महज 2 मैचों से उन्होंने स्कॉटिश लोगों को अपना फैन बना लिया था। इसके बाद ही सलीम की हालत काफ़ी बिगड़ने लगी, तो उनके बेटे रशीद ने सेल्टिक को पत्र लिखा था और 5 नवंबर 1980 को उनका निधन हो गया। ये बात काफ़ी निराशाजनक है कि महज 2 मैच खेलकर उन्होंने स्कॉटिश लोगों को तो अपना बना लिया, लेकिन अपने ही देश में उनकी पहचान खो गई।